हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विशाल टेक क्लासेस। आज हम आपके चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th बोर्ड एग्जाम्स के बायोलॉजी पोर्शन से 2 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों के लिए यहां से 7 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके चैप्टर को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ आप लोग यहां से मेरा SST का कोर्स भी चेक कर सकते हैं जहां पर मैं डेली वीडियो पब्लिश करता हूं रात के 8 बजे, ताकि आप लोगों को हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस मिल सकें, आपको नोट्स मिल सकें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। इन सभी वीडियोस का लिंक जो अभी तक आपने मिस किए हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक नई फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप इन सभी वीडियोस को या फिर ये सभी क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करने के लिए। किस तरीके से, उसकी डिटेल मिलेगी आपको वीडियो के एंड में। बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहले मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रखता हुआ चलता हूं क्योंकि अब आपका वो टाइम है जब आपने थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नियर है, लगभग 1 महीना आपके पास बाकी है और इसी टाइम ड्यूरेशन में ये क्वेश्चंस हैं ताकि आप लोग अपने आप को जज कर सकें। तो 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेम द हार्मोन दैट आर रिलीज्ड इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स व्हेन दे रीच प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज पर पहुंचने के बाद मेल और फीमेल्स में क्या हार्मोन रिलीज होते हैं। नेम अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन, कौन सा ग्लैंड ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। विच प्रॉब्लम इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय दिस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 2 मेन ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच वन ऑफ देम प्ले अ मेजर रोल इन सेंडिंग कमांड टू मसल्स टू एक्ट विदाउट इन्वॉल्विंग थिंकिंग प्रोसेस, जो हमारे सिग्नल्स पहुंचा देता है जिसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती। एंड नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व इन दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन टेस्टिस, ह्यूमन टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और उसके फंक्शन के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हार्मोन सिक्रीट करता है और उसके फंक्शन भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द नास्टिक एंड कर्वेचर मूवमेंट, नास्टिक और कर्वेचर मूवमेंट के बारे में बताइए और उनका एक एक एग्जाम्पल भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ एनी 2 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हिंड ब्रेन, ह्यूमन हिंड ब्रेन से आपको 2 फंक्शंस या पार्ट्स बताने हैं और उनके फंक्शंस भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स एंड राइट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, यहां पर आपको प्लांट के हार्मोन्स के बारे में बताना है और इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है आपको ऑक्सिन का। ये तो हुए हमारे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन। आप लोगों ने इनके आंसर्स कुछ लिखे होंगे, अपने दिमाग में सोचे होंगे। अब बारी है उन आंसर्स को चेक करने की कि आपने जितने भी आंसर्स अभी तक सोचे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो उन आंसर्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही वो वीडियो आपको लेकर जाएगी मेरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म प्रोफाइल पर, जहां से आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइडेड होगी और वहीं से आप इन सभी क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। मेरा नाम है विशाल त्यागी, साथ ही साथ आप अपने आप को एनरोल, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा इस चैप्टर से 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और टोटल क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे 16। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कर हमें अपने सजेशंस बताइए और किस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है किस सब्जेक्ट में वो भी हमें जरूर बताइए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, या फिर नोट्स और किसी प्रॉब्लम के लिए हम लोग आपको बता ही चुके हैं कि आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कूल माइंड के साथ बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।